तेजगढ़ थाना की गुरैया नदी में बहने वाले डिप्टी रेंजर पन्नालाल को एसडीआरएफ की टीम द्वारा तलाशा गया। बड़ी मुश्किल के बाद 3 दिन में शव प्राप्त हो सका। देहात थाना में पदस्थ 2 आरक्षक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, इस दौरान वे सड़क हादसे में घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अलका सोनी की कार एवं एक पुलिस वाहन में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद यहां पर लोगों का मजमा लगा रहा। तेजगढ़ थाना अंतर्गत हिनौती पुतली घाट में स्थित कृषि साख सहकारी समिति का भवन क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण वहां पर रखी खाद एवं दवा नष्ट हो गई, जिससे अब लाखों का नुकसान हुआ है। जैन समाज की ओर से क्षमामणि पर्व के अवसर पर जैन धर्मशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलिया प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान अन्य समाज के लोग भी मौजूद रहे। पथरिया की दबंग विधायक रामबाई सिंह कस्तूरबा गांधी छात्रावास पथरिया में पहुंची, जहां पर उन्होंने वहां पर रहने वाली छात्रावास की बालिकाओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी तथा समाधान की बात कही। दमोह के शिक्षक संजय पाठक को बेस्ट शिक्षक का सम्मान गोवा की राजधानी पणजी में मिला। यहां पर केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में शिक्षक संजय कुमार पाठक को यह सम्मान प्राप्त हुआ। पथरिया विधायक रामबाई सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पथरिया में एक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान पथरिया विधायक के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन 16 तारीख को सोमवार को किया जा रहा है, जिसको लेकर भूमिका बना ली गई है। कृषि उपज मंडी से यह रैली कलेक्टेड पहुंचेगी। कांग्रेस द्वारा ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष को हटाए जाने के बाद अब झुन्नीलाल पटेल को ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय टंडन ने प्रमाण पत्र सौंपा। Happy birthday.